अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइव ऐसे कॉइन्स जो कि अप्रैल में अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देकर जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो उनमें से टॉप की करेंसीज जो हैं वो दो कॉइन्स ऐसे होंगे, दो नहीं बल्कि तीन कॉइन ऐसे हैं जो कि बाइनांस पर भी अवेलेबल हैं और दो कॉइन्स ऐसे हैं जो के यू कॉइन पर अवेलेबल हैं, और तीन कॉइन ऐसे हैं जो बिनांस और के यू कॉइन पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन दो कॉइन ऐसे हैं जो सिर्फ अभी लो मार्केट कैप हैं और के यू कॉइन पर अवेलेबल है, अभी लिस्ट नहीं हुए बिनांस पर। इसके लिए बात करने का मकसद ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अगर आप इन कॉइन्स को, इन पाँच कॉइन्स को अप्रैल के महीने में 2023 में अप्रैल में अगर आप इनको होल्ड करके रखते हैं तो आपको अच्छा खासा ये बेनिफिट देकर जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ और आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर बिल्कुल क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। याद रखिएगा, मैंने ये रिसर्च करके बेहतरीन तरीके से जो मुझे फाइंड करना आता है लो मार्केट कैप कॉइन्स, मैंने उस तरीके से ये कॉइन्स आप लोगों के लिए सर्च किए हैं, आप लोगों के लिए फाइंड किए हैं और आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो को लाइक करने से, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे तो मोटिवेशन मिलती है ना, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, ठीक है। तो मार्केट का जायज़ा ले लेते थोड़ा सा। बिटकॉइन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत जा रहा है। इथेरियम भी मैंने बताया, लेकिन इथेरियम पहले शुरू हो गया है और बिटकॉइन अब शुरू होने वाला है, और जैसे ही बिटकॉइन शुरू होगा आपको आर्ट्स कॉइन में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देगी अप जानिब। लास्ट 24 आवर्स में डोज कॉइन ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की है और हैरान कर दिया है। इलन मस्क की ट्वीट की वजह से ट्विटर में इसका जो लोगो भी आई थिंक लगा दिया गया है और इसके बारे में सोचा जा रहा है कि ये एज ए पेमेंट मेथड ट्विटर में ये यूज़ होगा, तो इसलिए हाइप क्रिएट हो गई है और ये ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा बन गए हैं। उसके बाद अगर मीम कॉइन की बात की जाए तो शिबा इनो भी थोड़ा बहुत हिला है, और इसके बाद फलोकी भी इनो आई थिंक ये अप गया होगा, वो भी हम आगे चल के हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। तो लेकिन डोज कॉइन सबके सामने अप गया है, वो फंडामेंटल न्यूज़ है, इसकी वजह से अप गया है। अब मज़ीद क्या होगा, ये कॉइन्स क्या करेंगे आगे और BTC ने क्या करना है। इथेरियम तो चल पड़ा है जैसे मैंने आपको बताया है, तो इथेरियम ने अभी मूवमेंट शुरू कर दी है, $1861 पर मौजूद है। कल मैं वीडियो आप देख सकते हैं, ये 1809 या $10 पर मौजूद था जब मैंने आपको बताया कि ऊपर जाएगा और आप इसको बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी उस बात पर अमल किया होगा और वो यकीनन इस टाइम प्रॉफिट खा रहे होंगे बैठ के और मौजे कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। मेरी बात को आप ऐसी फजूल ना समझा करें, बिल्कुल रिसर्च करके मैं आप के लिए ये एजुकेशन वीडियो लेकर आता हूँ। आप अपनी रिसर्च कीजिए, आपका हक बनता है कि रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जो मैं बात ऑथेंटिक करता हूं उसको भी गौर से सुना कीजिए। तो सबसे पहले जो कॉइन है वो टॉप फाइव में से जो अप्रैल 2023 तक होंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि 26 डेज रह गए हैं अप्रैल को ख़त्म होने के लिए, जस्ट 26 डेज के लिए आप इनमें से सबसे पहला कॉइन जो मैंने आपको बताने लगा हूँ वो है रैंकर डाओ के नाम से है, और ये अभी बिनांस पर लिस्ट नहीं है, लो मार्केट कैप है, आपके सामने आप चेक कर सकते हैं, और इसकी सप्लाई बड़ी कम है लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है। सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लें आप, इसकी टोटल और मैक्सिमम सप्लाई कम है लेकिन प्राइस बहुत कम है, लो मार्केट कैप है, और इस कॉइन को आपने नहीं भूलना। ये 2x और 3x इजीली आपको इसी मंथ अप्रैल 2023 में देकर जा सकता है। जी हाँ, ये उस टाइम के यू कॉइन ह्यूबी ग्लोबल गेट डाटा यू पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसको बाय करके रख सकते हैं। $10, $15, $20 चेक करने के लिए भी आपके मेरी फोरकास्ट कैसी होती है करेंसीज के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप चेक कर सकते हैं। अभी इसका 3112वां नंबर रैंक है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। इथेरियम
बेस्ड है और इकोसिस्टम से लिंक करता है। इथेरियम ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ये भी ऊपर जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इथेरियम, बिटकॉइन ये ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आर्ट्स कॉइन ऊपर ना जाएं? डेफिनेटली ये भी ऊपर जाएंगे। यहाँ से ही बाय किया जा सकता है, मज़ीद आप 40 का वेट करें, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ये पहला कॉइन है जो के यू कॉइन पर अवेलेबल है, बाकी बड़े एक्सचेंज पर नहीं है, यानी कि जैसे बाइनांस है कॉइन बेस पर, कॉइन बेस पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो कॉइन है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो है SPA, स्पेयर एक्स, ठीक है। ये वाला कॉइन है, ये भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट में है, इसकी प्राइस है इस पर ये मौजूद है, लेकिन इसकी सप्लाई उससे ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका रैंक 908 नंबर है और इसका अलर्ट भी हुआ हुआ है, इसलिए ये उससे ट्रस्टेबल इस कॉइन को कहा जा सकता है। लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा मूवमेंट जल्दी नहीं करती। मार्केट कैप लो है इस कॉइन का भी, और ये भी कॉइन भी आपको के यू कॉइन पर अवेलेबल मिलेगा, डेट गेट आर्ट आई यू होबी ग्लोबल पर, बनास और कॉइन बेस पर आपको ये नहीं मिलेगा, ये वाला कॉइन। इसको भी आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी पर ये प्राइस पर मौजूद है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। आर्बिट्रम इकोसिस्टम से ये लिंक रखता है, और आरबी जो कि आपको पता है आजकल ट्रेंड में जा रहा है, तो इसलिए इसको भी आपने नज़र में रखना है। ये दो हो गए जो के यू कॉइन पर अवेलेबल है। अगर इसकी लिस्टिंग होती है बाइनांस पर और इसकी लिस्टिंग हो जाती है कॉइन बेस पर, तो फिर भी आप देखिएगा कि इस कॉइन की प्राइस कितनी ऊपर जा सकती है। तो इसको भी आपने अपनी नज़र में रखना है। मैंने रिसर्च करके, फाइंड करके आपके लिए पेश किए हैं, बाकी आप अपनी रिसर्च कर ले सकते हैं। उसके बाद जो कि कल बहुत ज़्यादा जो कॉइन अप गया है, और वो भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, मैं आपको दिखाता चलूँ, और वो कौन सा कॉइन है? वो कॉइन है जी डोज कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस महीने अप्रैल में डोज कॉइन ने अप जाना है, ये मैं आपको बता दूं। आप ये ना सोचिएगा कि ये बस इतना ही अप जाकर आपको नज़र आ रहा है और बस, इससे ज़्यादा अप नहीं जाना। ये 29% आपको अप नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक दो ट्वीट और आई तो यही आपको 20 सेंट से 25 सेंट तक इजीली जाता नज़र आ सकता है। अभी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों ये देखिए, ये बिनास पर अवेलेबल है, कॉइन बेस पर अवेलेबल है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि BTC इथेरियम ने ऊपर जाना है, और जब वो बड़े बड़े कॉइन्स जिनसे मार्केट चलती है वो ऊपर जाएंगे, तो डोज कॉइन कौन होता है कि ऊपर ना जाए? डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। इसको नीचे से बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बाइंग प्राइस नहीं है, लेकिन अगर आपको ये जितना नीचे नज़र आए वहाँ आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी आने वाले दिनों में न्यूज़ भी हैं। न्यूज़ क्या है, इलन मस्क जो कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, अमीर तरीन शख्स है, उसकी ट्वीट्स जो है ना इसको ऊपर लेकर जाती हैं, सही है। तीन हो गए ये कॉइन। उसके बाद है नंबर 4 पर है जो वो टॉप 100 पर इस टाइम मौजूद है, DYDX के नाम से, जो कि 100 नंबर रैंक पर मौजूद है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरे 100 पर है, और ये भी आपको बाइनांस पर अवेलेबल मिल जाएगा, और इसकी प्राइस भी कम है, $28 के से ऊपर थोड़ा सा ये ट्रेड कर रहा है। और इसकी मार्केट की बात करें तो ये आपको बाइनांस पर मिल जाएगा ईजिली, के यू कॉइन पर, क्राकन पर भी ये आपको ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये बाइंग प्राइस नहीं है, ये $2.30 तक अगर आए नज़र आए तो यहाँ से आप इसको बाय करके रख सकते हैं। ये एक अच्छा डीफाई टोकन है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्विकली अप नहीं जाती, लेकिन जाती ज़रूर है। ये देखें $2.38 से $2.55, जिसने फ्यूचर ट्रेडिंग की होगी, ट्रेड की होगी, वो तो प्रॉफिट में भी बैठा होगा, सही है। तो इसलिए इस कॉइन को भी आपने अपनी नज़र में रखना है लाजमी। उसके बाद है जो पांचवा कॉइन है वो है जी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, पीपल्स कॉइन, ठीक है। पीपल्स कॉइन के नाम से मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए पीपल्स कॉइन, ये वाला कॉइन है, और सॉरी नहीं, ये वाला कॉइन नहीं है, पीपल कॉइन, पीप्स के नाम से नहीं है वो, पीपल्स के नाम से है। मैं आपको वो कॉइन है, चलिए अगर इसको ना भी करें तो मैं आपको और बता देता हूँ कॉइन, आप आएँ तो इसमें आपको नंबर 1 पर जो मैं बताता हूँ आपको, नंबर 5 पर किसको आप बाय करके रख सकते हैं, वो छोड़ दें आप वो कॉइन, ठीक है। तो आप इसमें अगर बाय करना है
तो आप शिबा इनो को बाय कीजिए, सही है शिबा इनो, क्योंकि डोज क्वाइन की अगर ट्वीट्स आई और फ्लोकी इनो भी जाएगा ऊपर, और डेफिनेटली जब देखे डोज क्वाइन ऊपर जाता है तो शिबा इनो भी थोड़ा सा मूवमेंट लाजमी करता है, और ये आपको पता है हिस्ट्री है इसकी, ये अगर शिबा इनो ऊपर जाए तो डोज क्वाइन थोड़ी बहुत या फ्लोकी इनो भी मूवमेंट करता है, तो इसलिए आपने जो पांचवा क्वाइन है इस अप्रैल के लिए, ये आप शिबा इनो भी रख सकते हैं। दूसरा भी मैं आपको क्वाइन बता देता हूँ, अथीरियम क्लासिक ETC जिसे बोलते हैं, ये आपको 30 से $35 तक ट्रेड करता नजर आएगा, इसको भी आपने नहीं बोलना, बेहतरीन कॉइन है ये। देखे $19 तकरीबन $20 पर मौजूद था लास्ट 24 आवर्स में, और $21 से ये ऊपर $21 पर इस टाइम मौजूद है। तो थीरियम ऊपर जाएगा डेफिनेटली ये कॉइन भी ऊपर जाएगा, तो आपने इन पांच टोकन्स को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी शामिल करके रखना है अप्रैल के महीने के लिए। अप्रैल के महीना जैसे ख़त्म हो, आपने ख़त्म होने वाला हो, आपने इन कॉइन्स को निकाल देना है, सेल कर देना है, और अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे होना है, अप्रैल के बाद ना रखिएगा इसको। बाकी आपके प्रॉफिट और लॉस का मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।